بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب. وشرح صدورنا بمعرفة علي بن أبي طالب محمد وآل محمد وزين مجالسنا بذكر علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وأبقى عيوننا في غم علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أبي العلي وعلى أم العلي وعلى زوجة العلي وعلى أبناء العلي وعلى بنات العلي الصلاة والسلام على أنصار العلي وعلى محب العلي ولعنة الله على أعداء العلي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى محمد آپ سب کی خدمت میں مولا کے ظہور اور ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد وآل محمد یہاں پر جتنے تشریف فرما ہے اس میں سے یا تو میرے استاد ہے یا تو میرے سینئر ہے کہنا کچھ نہیں ہے بس یہ کہ تبرکاً چند کلمات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جب مولا کائنات خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں اور آغوش رسالت میں مولا کائنات نے آنکھیں کھولی ہر ذرے ذرے کا ذہن کھلا ہر دلدار کا دل بولا ہواؤں سے فضاؤں سے دریاؤں سے عرش سے فرش سے کائنات کے ہر چمن سے نگاہ امن سے سولہ تین زمن سے ملک سے فلک سے بیت سے اہل بیت سے سراج سے میزان سے کوثر سے سلسبیل سے گل سے پھول سے حور سے نور سے اپنوں سے غیروں سے ہر ایک کے تہن سے یہی صدا آنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کیوں نہ ہم سب مل کر دوبارہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں اس موقع کی مبارک ایک بلند ترین سلوات کے ذریعے سے پیش کریں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وسلم ایک ضروری بات ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے مجھے موقع کم ملتا ہے کہ شہر میں تقریر کروں چونکہ قائم نگر میں رہتا ہوں تو اکثر مجالس وہیں پر پڑھ لیتا ہوں یہاں پر بہت کم موقع ملتا ہے شاید ہی سال میں چار سے پانچ مجلسے میں یہاں سٹی میں پڑھتا ہوں تو جو بات وہاں پر ضروری سمجھی اور وہاں کے لوگوں سے میں نے بیان کی تقریباً ایک حد تک اس پر عمل ہوتا ہے تو چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی
कि जिस पर दूर करना जरूरी है। देखें बेशक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, तो इसके हमने आप खोले, शिर्क की किस्में बनाई, शिर्क दर्द तौहीद या फिर सिफात खुदा या फिर एक माना में रिसालत में भी शिर्क हुआ करता है, इमामत में भी शिर्क हुआ करता है और मोहब्बतों में भी शिर्क हुआ करता है। उस शिर्क से मैं मिला नहीं रहा हूं, बस एक बात आपकी खिदमत में रख रहा हूं इस्लाह की ख्वाहिश से कि मोहब्बतों में भी शिर्क पाया जाता है, हमको शिर्क से दूर रहना है और अजीम तरीन इबादत है मौला कायनात का जिक्र और इंसानियत पर अल्लाह ने वाजिब करार दिया है कि अहले बैत से मोहब्बत इख्तियार करे, इनसे मोहब्बत करे, इनको चाहे। मोहब्बत का एक तरीका है कि इंसान इजहार मोहब्बत जब करता है तो या खुशी मनाकर करता है या गम मनाकर करता है। मजलिसों में हमारा तर्ज अमल यह होता है कि हमारे घर में अगर किसी की मिलावट हो जाए, पर पैदा हो जाए या हमारे घर में कोई मर जाए, हमारी अपनी खुशी हो और साथ साथ अहले बैत की खुशी या गम आ जाए तो हम क्या करते हैं कि अपनी खुशी को छुपा देते हैं, अपने रस को छुपा देते हैं। हम मनाते किसका गम है? अहले बैत का हम मनाते। अगर 13 रजब को किसी के यहां पर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम जनाजा उठाते हैं तो जश्न मनाकर जनाजा उठाते हैं। ये बुजुर्गीन का तर्ज अमल रहा और ये मोहब्बत इजहार मोहब्बत का तरीका है, इस पर अमल होना भी जरूरी है। बेशक जो मोमिन होगा ये अमल जरूर करेगा कि अपनी बाप का गम भूलेगा, रोएगा जरूर, लेकिन वहां पर कसीदा पड़ेगा और जनाजे को उठाएगा। तो जहां पर हम इतने मोहताज हैं अहले बैत की खुशियां मनाने में और गम मनाने में, तो फिर हम इनकी खुशियों में किसी भी एतबार से किसी और को शरीक नहीं कर सकते, खुद अपने दिली मुराद को भी शरीक नहीं बना सकते। अगर हमारा दिल कह रहा है कि हम इस खुशी में अपनी खुशी शामिल करें तो एक माना में यह शिर्क होगा। मैं खुलकर अभी बयान नहीं कर रहा हूं कि अगर हमारा दिल एक बात को चाह रहा है कि अहले बैत की खुशी ऐसे मनाई जाए तो फिर एक माना में वो शिर्क होगा। मिसाल के तौर पर जो बहुत ज्यादा बात देखी जा रही है, 16 हजरात मौजूद हैं और कई मकाम पर मुलाकात हो जाती है शादियों में, विलादत हुई 5वें इमाम की, बेशक जश्न मनाते हैं हम, लेकिन जब जश्न में शिरकत करने के लिए जाते हैं या पढ़ने के एतबार से जाते हैं, साथ साथ एक और दावत रहती है जहां पर निकाह करना हो या फिर शरीक होना हो, तो हम तेजी में यहां पर शिरकत करते हैं और उसके बाद निकलकर वहां भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो नाराज हो जाए, होता है, यही अक्सर देखा जाता है। लेकिन आया हमने ये जो अमल किया खालिस किया, अपने दिल से खुद पूछे कि आया जो हमने जश्न मनाया क्या खालिस जश्न मनाया? यहां पर हमने शरीक किया, खुशी मनाना है अहले बैत की, हम अपनी खुशी नहीं मनाते, गम मनाना है अहले बैत का, हम अपना गम नहीं मनाते, तो फिर उस मकाम पर शादी क्यों रखी जाए जब हमें
लेकिन जश्न में एक पद का भी कम होना यहां पर बस तकरीर को समेट कर एक जुमला दे दो कि कासिर और मुकसिर, मुकसिर इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, किसी को भी मुकसिर कह दिया जाता है, लेकिन हकीकत में इसकी अगर वजाहत हो तो पता चलेगा कि मुकसिर का दायरा कितना वसी है, कहां कहां तक मुकसिर की बात जा सकती है। बस दो जुमलों में मुख्तसर सी बात में आपकी खिदमत में बयान कर दूं कि एक मकाम पर कोई उस्ताद मौजूद ना हो और वो जानता हो कि मैं नहीं जानता हूं और चाहे कि मैं सीखूं उसे सिखाने वाला मौजूद ना हो, ये कासिर हुआ। इसे कासिर कहा जाएगा कि भाई उसको पता ही नहीं। लेकिन एक होता है मुकसिर जिसको यह भी पता नहीं होता है कि मैं नहीं जानता और अपने आप को ही बहुत बड़ा आलिम समझता है। यानी इसमें दो तरीके का जहर पाया जाता है, एक ये कि वो नहीं जानता कि नहीं जानता, दूसरा ये कि जो जानता है वो गलत जानता है। तो मुकसिर का दायरा बहुत बड़ा वसी है और फिर अहले बैत की मारफत हमारे लिए जरूरी करार दी गई है। शादियों में अहले बैत की मारफत नहीं बनती लेकिन जश्न और मजालिस में अहले बैत की मारफत बनती है। मिंबरों से अहले बैत का तस्करा हुआ करता है। जब एक मोमिन किसी मजलिस में जाए या किसी महफिल में जाए तो हो सकता है एक मारफत को लेकर उठे। अगर हम उसे उस जगह पर जाने से किसी भी एतबार से रोक दे तो फिर हम अल्लाह की निगाह में मुजरिम करार पाएंगे। तो इस अमल इस बात की कोशिश करना चाहिए कि बेशक वो दिन मुबारक है, उस दिन दुआएं कबूल होती है, किसी भी इमाम की विलादत हो दुआओं के कबूल होने का वक्त है, दुआएं कबूल होती है, रहमतों का नुजूल है। लेकिन उस दिन अगर हम अपनी खुशी शामिल कर दे किसी भी एतबार से तो गया हम शरीक बना रहे हैं अहले बैत की खुशी में अपने आप को या किसी और को, जो कि नहीं बनाना। या फिर ये जो खुशियां हमारा मनाने का तरीका है कि भाई मौला की खुशी है, थोड़ा सा शोर होना चाहिए, यहां पर भी हम अपने आप को शरीक बना रहे हैं। मौला का हकीकत में मौला है और हम कुछ नहीं है, हमारा दिल कुछ नहीं है, हमें अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना, हमें उनकी मर्जी से काम करना है। अगर शादी खाने पर जा रहा है कोई और ढोल ताशे के साथ जा रहा है उसकी मर्जी, लेकिन अगर कोई मौला अली के पहाड़ जा रहा है सेरे पर लेकर और साथ साथ ढोल ताशा है तो मौला सिर्फ उसका नहीं है बल्कि सबके मौला। वो कोई शादी खाने को नहीं जा रहा है बल्कि मौला अली के पहाड़ जा रहा है। तो जरूरी है, आप सब बुजुर्गीन हैं, आप सब तनकीद करें, मेरे करने से कुछ नहीं होता। एक सलवात मोहम्मद और मोहम्मद की बात। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।